हेलो दोस्तों, मैं हूं शगर और आप देख रहे हो टेक पर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप बहुत ही आसानी के साथ फ्री में SSL सर्टिफिकेट अपना URL शॉर्टनर वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे नॉट सिक्योर दिखा रहा है, मतलब क्या है कि इस वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड नहीं है। सो SSL सर्टिफिकेट इस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए आपको विजिट करना है cloudflare.com पे। सो इस वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको साइन अप कर लेना है, उसके बाद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देके इस वेबसाइट में लॉगिन हो लेना है। सो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे डोमेन नेम को पेस्ट करना है। सो यहाँ से हम डोमेन नेम को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद ऐड साइट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फ्री जो प्लान है इसको चूज कर लेना है, इसके बाद कंफर्म प्लान पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहां पे दो नेम सर्वर रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। सो नेम सर्वर रिप्लेस करने के लिए जिस होस्टिंग पे आप अपना URL शॉर्टनर वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं उस होस्टिंग पे लॉगिन हो लेना है। ये जो वेबसाइट है ये नेमचीप होस्टिंग पे होस्टेड है। सो नेमचीप का डैशबोर्ड मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे डोमेन लिस्ट पे चलेंगे और यहाँ पे नेम सर्वर को चेंज करेंगे। सो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कस्टम DNS, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो नेम सर्वर है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट नेम सर्वर में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सेकेंड नेम सर्वर को कॉपी करेंगे और सेकेंड नेम सर्वर के जगह पे पेस्ट कर देंगे। नेम सर्वर ट्रांसफर होने में लगभग 2 से 3 घंटा लग जाता है, मगर इन लोगों का कहना है 24 आवर्स के अंदर ये नेम सर्वर ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। यहां पे ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट को ऑन करके सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑलवेज यूज HTTPS को ऑन करके सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑटो मिनीफाई, यहां पे जावास्क्रिप्ट CSS एंड HTML ये तीनों को चेक करके सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब नेम सर्वर ट्रांसफर होने में लगभग 2 से 3 घंटा लग जाता है, मेरे केस में 1 घंटा के अंदर हो गया था। सो चलिए एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हो इस वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे जैसे कि नॉट सिक्योर दिखा रहा था वो हट जाएगा एंड यहाँ पे एक लॉक आइकन दिखेगा, मतलब SSL सर्टिफिकेट इस वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है। सो दोस्तों, ऐसे ही आप बहुत ही आसानी के साथ फ्री में अपना URL शॉर्टनर वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर। सो दोस्तों, आपको अगर कुछ इस तरीके का एरर शो हो रहा है तो आपको जस्ट एक ए रिकॉर्ड cloudflare.com पे ऐड करना है। सो यहाँ से cloudflare.com पे लॉगिन करने के बाद ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। सो ए टाइप पे ए सिलेक्ट करेंगे, नेम के जगह पे टेस्ट लिखेंगे एंड यहाँ से IPv4 एड्रेस
कॉपी करके पेस्ट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। मैं ऑलरेडी इसको सेव करके रखा हूँ, सो दैट्स इट, ये इशू सॉल्व हो जाएगा।